पेपर जो है काफ़ी जो है ईजी आया है। मैं कुछ कैंडिडेट से बात करता हूँ, आप लोग उनसे सुनिए कि पेपर जो है किस टाइप से आया था, उनका ओवरऑल जो है अटेम्प्ट क्या हुआ है, सेक्शन वाइज जो उनका कितना अटेम्प्ट रहा है। तो मैडम आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है? सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट हुआ है? ओवरऑल ओके। और लेवल कैसा था पेपर का? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। कौन में कितना आपका अटेम्प्ट हुआ आपको याद है? हाँ, 26। ओके। और रीजनिंग में? 30। इंग्लिश में? 24। पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग जो है इजी था। ओके सर, आपका अटेम्प्ट कितना हुआ था? मेरा 84। 84 हुआ था। ओवरऑल जो है पेपर का लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग? लेवल इजी था। रीजनिंग में जो है पजल कितने आए थे? रीजनिंग में पजल 4 पजल। ओके। और डीआई का लेवल जो है कैसा था? कितने डीआई का? डीआई का 2 डीआई थे, एक डायग्राम था और एक पैराग्राफ। ओके। और सिंप्लीफिकेशन कितने पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ओवरऑल देखा जाए तो पेपर जो है काफी इजी था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मॉडरेट था, जो इंग्लिश मॉडरेट था। गाइस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था, ओवरऑल पेपर का लेवल जो है काफ़ी अच्छा था। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया, 2 स्टूडेंट का मैंने आप सभी के सामने जो है रिव्यू दिया। गाइस अगर आपका पेपर जो है 3rd शिफ्ट में है, 4th शिफ्ट में है, या आपका पेपर जो है कल है, तो आप लोग जो है सिर्फ जो है कूल रहिए, काम होकर के एग्जाम जो है देने जाइए। आपका जितना जो है अच्छा अटेम्प्ट हो पाए उतना जो है ट्राई कीजिए। और साथ साथ दोस्तों अगर आपका पेपर हो गया है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पर या अनअकैडमी का जो बैंक एग्जाम क्विज़ यूट्यूब चैनल है वहां पर करंट अफेयर के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मैं आप सभी को जो है नेक्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।